मम्मी तुम्हारी बेवजह दखल अंदाजी से मेरा घर बिखड़ जाएगा। सुनैना की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसके मायके परिवार में उससे छोटा भाई है जो वकालत की पढ़ाई कर रहा है और उसकी मम्मी बिमला। उसके डैडी की 5 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश कर रही है। आर्थिक रूप से कठिनाई नहीं आई क्योंकि उनका एक बड़ा शोरूम था रेडीमेड कपड़ों का। बिमला ने उसे किराए पर चढ़ा दिया जिससे अच्छी खासी रकम हर महीने मिल जाती है और परिवार की गाड़ी आराम से चल रही है। सुनैना अब शादी लायक हो गई थी। उसकी मम्मी उसके विवाह के बारे में सोचने लगी और अच्छे लड़के तलाश में लग गई। उसकी मौसेरी बहन ने अमित का रिश्ता सुझाया जिसे बिमला ने भी पसंद कर लिया और सुनैना अमित ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी संपन्न हो गई। ससुराल में अमित अकेला बेटा था, एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे और वह परिवार सहित विदेश में बस गई थी। सुनैना की शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी मम्मी बिमला का फ़ोन आया। बेटा कैसे हो, सब कुछ ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं ससुराल में? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं, आप मेरी चिंता तो करो ही मत। सुनैना खुशी से चहक रही थी। 2-3 बाद ही बिमला जी का फ़ोन आया। सुनैना बेटी कैसी हो, क्या कर रही हो? किचन में हो। किचन में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले लेना, नहीं तो बेवकूफ बन जाओगी। अपने हिसाब से ही एक सीमा में ही काम करना। मम्मी किचन में जितना ज़रूरी काम है वे तो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ अपने लिए ही खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सब कामों के लिए बाई लगी हुई है। खाना बनाने में भी सासू जी पूरी मदद करती है, सब्जियां काट देती है, आटा गूंद देती है, बस मेरे को तो छोंक लगाना है या दाल का तड़का लगाना और चपाती बनानी होती है, तो कौन सा बड़ा काम हो गया। अब क्यों चिंता कर रही हो मेरी, बेटा माँ हूँ तेरी, चिंता मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मेरी बेटी को अगर जरा भी कोई परेशानी या समस्या आती है तो उसका समाधान तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, और शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा जाए तो ठीक रहता है, वरना बाद में परिस्थितियाँ सीमा से बाहर हो जाती हैं। तेरी सास किसी बारे में रोक टोक तो नहीं करती है ना, और किसी तरह का कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाती है ना? मेरी बेटी तो यहाँ आजाद से रह रही थी, वहाँ भी तुम्हें वैसे ही रहना है, अपनी अहमियत बनाए रखनी है, और तुम्हारी नंद बीच में हंसते तो नहीं करती है ना, चाहे बाहर रहती हो, लेकिन कई बार ननंद बाहर से भी अपने हाथ में मायके की कमान लेकर बैठी रहती है और झगड़े करवाती रहती है। अगर ऐसे ही हुआ तो शुरू से ही रोक देना। मम्मी आप क्या ये उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो, मेरी नन भी बहुत अच्छी और सासू माँ तो और भी अच्छी हैं, अपनी बेटी जैसे मुझे रखती हैं, किसी बात की कोई रोक टोक नहीं, पूरा सहयोग देती हैं। फिर आप बार बार क्यों उनके बारे में गलत सोचकर मुझे परेशान करती रहती हो? एक तरह से उन सबके प्रति मेरे मन में नकारात्मक विचार पैदा कर रही हैं। अच्छा तो अब अपनी माँ का फिक्र करना भी तुझे गलत लग रहा है? अभी तो शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और ससुराल के गीत गा रही है और माँ को समझा रही है। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, पक्की बनकर रहना, होशियार रहना, इतनी सीधी और आज्ञाकारी मत बन जाना कि तेरी अहमियत ही ख़त्म हो जाए। मुझ पर अब दोहरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे तेरी फिक्र तो रहेगी ना। मौसम में बदलाव के कारण नैना को बुखार आ गया, दवा लेकर वह आराम कर रही थी। सासू माँ ने उसे उस दिन खाना बनाया और उसे देकर आराम करने के लिए कहा। तभी बिमला जी का फ़ोन आया, क्या हाल है बेटा? सुनैना ने जब बताया कि मौसम के बदलाव के कारण उसे बुखार आ गया है तो वह झट बोली, मैं तो पहले ही कहती थी इतना काम मत करना, देख बुखार आ गया ना, अब बिल्कुल पलंग से नहीं उतरना। सासू माँ को करने दे सारा काम। मम्मी प्लीज़ बस करो, तुम्हारी दखलअंदाजी से मेरा घर बिखड़ जाएगा, तुम समझते क्यों नहीं? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सारा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, मायके से भी ज़्यादा मैं यहाँ पर खुश हूँ, फिर भी आप मुझे उल्टी सलाह क्यों देती हैं? अगर आपकी होने वाली बहू की माँ भी ऐसे ही व्यवहार अपनी बेटी के साथ करके तुम्हारे खिलाफ भड़काती जाएगी और घर में क्लेश पैदा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
कभी सास ससुर नंद के खिलाफ तो कभी पति के खिलाफ मुझसे खोज खबर लेती हो और नकारात्मक सोच रखती हो, आखिर क्यों? आपका ये व्यवहार बेटी के प्रति फिक्र नहीं बल्कि बेटी का घर बिखेरने में अहम भूमिका निभाएगा। आप सोच लो, अगर बेटी को अच्छी तरह से बसने देना चाहती हो तो बेकार की दखलंदाजी बंद करो। मैं पूरी तरह से परिपक्व और समझदार हूँ, जीवन की अच्छी बुरी बातों को समझती हूँ, सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे साथ कभी कुछ गलत या बुरा नहीं होगा। सासू माँ ने मुझे दवा दे दी है और खाना भी यहीं पलंग पर दे दिया है, मैं आराम कर रही हूँ। जैसे ही उसने मोबाइल रखा, कमरे में सासू माँ आ गई। शायद उन्होंने उसकी बातें सुन ली थी। उन्होंने नैना को गले से लगा लिया और बोली, बेटा अच्छा हुआ तूने अपनी मम्मी की गलतफहमी दूर कर दी। असल में माँ का बेवजह बेटी के घर में दखलंदाजी करना ही उसका घर खराब करता है और रिश्तों में दरार पैदा करता है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ समझदार है, अपना बड़ा बुरा समझती है, जीवन किस तरह जीना है ये कला भी उन्हें आती है। बेटी से घर की छोटी छोटी बातें रोज मोबाइल पर बेटी से पूछना माँ की गलती है, उसे अपने ढंग से जीवन जीने देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही कुछ बोलना चाहिए। मुझे गर्व है तुम पर, अब तुम्हारी मम्मी समझ गई होगी और अब तुम्हारी मम्मी समझ गई होंगी कि अब ना खुद परेशान होगी और ना ही तुम्हें परेशान करेगी। सुनैना के मन में अपनी सासू माँ के प्रति अपार प्रेम, श्रद्धा और आदर के भाव भर गए। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आजकल की लड़कियाँ समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्हें उकसाने या उनके घर में दखलंदाजी करने का प्रयास ना करें। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।